हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू यूपी पाठशाला। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ के इस लेक्चर में। आप सभी को पता है कि हम इसके दो लेक्चर कर चुके हैं, नंबर सिस्टम के, संख्या पद्धति के, और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजन के नियम, संख्याओं के विभाजन के नियम, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूँ, वो लिख लीजिए, ठीक है सभी। तो नोट क्या है देखिए, इधर नोट लिख लीजिए। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है सारी की सारी जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, तो इन्हें लिख लेना, ठीक। पहला है पाई। पाई आपका क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग में बराबर, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये इसकी पाई की, लेकिन लगभग में बराबर इसकी वैल्यू होती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये इसकी। तो जबकि 22/7 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। इतना ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला नोट। इसके बाद दूसरा नोट लिखिए। दूसरा नोट है कि 0 तथा 1, 0 तथा 1 न तो भाज्य हैं और न ही अभाज्य, ठीक। 0 तथा 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ठीक। नोट नंबर 3 लिखिए। मैं बता चुका हूं इन चीजों को, फिर भी लिख लीजिए। 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक। लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा ये आपके एग्जाम की दृष्टि से 3 से 4 बार पूछा गया है यही कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक। इसके बाद नोट नंबर 4 लिखिए। नोट नंबर 4 है कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है। जितना भी मैं आपको करा रहा हूं, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इतनी गारंटी मेरी है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चंस की और टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, हर टॉपिक का, ठीक है। तो निश्चिंत होकर मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए। जितनी भी वीडियोस हमारी आ रही हैं उन्हें रेगुलर देखिए, ठीक है। रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पे, यूपी पाठशाला पे 3 से 4 वीडियो अपलोड हो रही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतना लिख लिया होगा, लिख लो। चलिए आगे चलते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं हम, आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के विभाजन के नियम, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता आपका, तो ध्यान से समझिए पूरे लेक्चर को। विभाजन के नियम, सबसे पहले आता है आपका 2 के
विभाजन का नियम। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसे, इंग्लिश में बोलेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, दो के विभाजन का नियम। ध्यान से समझिए, दो के विभाजन का नियम क्या कहता है कि यदि यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई के अंक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या हो, जीरो या टू या फोर या सिक्स या एट। ठीक, किसी भी संख्या के यदि इकाई का नंबर या इकाई का अंक जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है और एट है, तो वो सारी की सारी संख्याएं हमारी किससे डिवाइड होंगी, टू से डिवाइड होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे आपका 20, लास्ट में क्या है, जीरो है, इसलिए टू से डिवाइड होगा। उसके बाद देख लीजिए 242, लास्ट में हमारा क्या है, टू है, इसलिए टू से डिवाइड होगा। ठीक, उसके बाद 246, लास्ट में क्या, सिक्स है, इसलिए टू से डिवाइड होगा। 848, लास्ट में क्या, एट है, इसका मतलब क्या है, ये टू से डिवाइड होगा। ठीक, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि दो का जो विभाजन का नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी नंबर के लास्ट का अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो संख्या सभी किससे डिवाइड होंगी, टू से डिवाइड होंगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे आता हमारा तीन के विभाजन, तीन के विभाजन का नियम। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। ठीक, थ्री के डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, थ्री का विभाजन का नियम ये कहता है कि यदि किसी नंबर को हमें तीन से डिवाइड करना हो, तो उसके अंकों का जो योग है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, तीन से डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। आ रही है बात समझ में? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, एक नंबर लिखा मैंने 3, 6, 3, 2, 1, ये मैंने नंबर लिखा। अब मुझे चेक करना है कि ये तीन से डिवाइड है या नहीं है, तो हम मैं क्या करूंगा, इसके अंकों के योग निकालूंगा। इसके अंकों का योग क्या आएगा, अंकों का योग देख लीजिए कितना आएगा, 3 प्लस 6 प्लस
थ्री प्लस टू प्लस वन, ठीक है, जोड़िए, एक और दो तीन, तीन छः, छः तीन बारह, तीन पंद्रह, पंद्रह को अगर मैं तीन से डिवाइड करूं तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, पांच बार। इसका मतलब क्या है कि इस संख्या के अंकों का योग तीन से पूरी तरह विभाजित होता है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या भी हमारी तीन से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, आगे का रूल है हमारा चार के विभाजन का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर। ठीक, क्या है हमारे चार के विभाजन का नियम, इसी के साथ में हम पढ़ेंगे आठ के विभाजन का नियम, और इसी के साथ में हम पढ़ेंगे 16 के विभाजन का नियम। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एट, और यहां पे क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चार के जो विभाजन का नियम है, चार की विभाजिता का जो नियम है वो ये है कि यदि किसी संख्या की लास्ट टू डिजिट, यदि किसी संख्या की लास्ट टू डिजिट फोर से डिवाइड हो जाती हैं, फोर से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, तो वो हमारी संख्या किससे डिवाइड होगी, वो हमारी संख्या चार से डिवाइड होगी। लिख लीजिए इसे, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के, किसी संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक चार से पूरी तरह या पूर्णतया विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं, तो वह संख्या, तो वह संख्या चार से पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 8448, और लिख लेते हैं 5624, एक्सेट्रा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर होंगे जो चार से डिवाइड होंगे। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कैसे हम पता करते हैं कि कोई नंबर चार से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये नंबर लिखे, तो इनकी लास्ट दो अंक कौन से हैं, पहले अंक, पहले नंबर के, पहले नंबर के लास्ट दो अंक जो हैं वो हैं ये, ठीक। अब हम देखते हैं 48 चार से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं, देखते हैं, चार एक ना चार, चार दो नहीं आठ, मतलब पूरी तरह डिवाइड है। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है हमारा ये भी पूरी तरह हमारा चार से डिवाइड होगा, ठीक, आ रही होगी बात समझ में। नेक्स्ट नंबर को देख लेते हैं, इसके लास्ट टू डिजिट कौन से हैं, 24। अगर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पूरी पूरी डिवाइड कर रहा है लास्ट टू डिजिट को। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा ये हमारा किससे डिवाइड है, 4 से पूरी तरह डिवाइड है, विभाजित है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, मिटा दूं इसको, मिटा देता हूं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे है एट के विभाजन का नियम। ठीक, एट के विभाजन का नियम यह कहता है कि यदि यदि किसी संख्या के किसी संख्या के अंतिम तीन अंक, अंतिम तीन अंक एट से पूरी तरह विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं, तो वह संख्या भी आठ से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक, एट के विभाजन का नियम क्या कहता है? एट के विभाजन का नियम यह कहता है कि यदि किसी नंबर के किसी संख्या के लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री अंक अगर एट से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा किससे डिवाइड होता है? एट से डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें इसके, एट के एग्जाम्पल की बात करें एट के, एक लिखो 5240। ठीक, 520 में हमने देखा, हमें क्या करना, लास्ट थ्री डिजिट चेक करनी है कि एट से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो लास्ट थ्री डिजिट कौन सी है? ये हैं, लास्ट के थ्री अंक 240। देखते हैं एट से डिवाइड करके, एट से डिवाइड करके देखते हैं, 240 को एट से डिवाइड करेंगे हम, तो 8 3 जा 24, 30 टाइम ये पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 240 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 30 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है हमारा, ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, और एग्जांपल की बात करें अगर यदि हम, तो एक एग्जांपल और लिखिए 3560। ठीक, ये कोई और नंबर है हमारे पास, इसको हम चेक करना है कि 8 से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं है। तो हम इसके क्या लेंगे, लास्ट के थ्री अंक लेंगे, लास्ट के थ्री अंक कौन से होंगे, ये। ठीक, 560 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, 8 7 56, ये 70 बार, 8 7 56 70 बार पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये भी 8 से पूरी तरह डिवाइड होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कोई समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा 16 के विभाजन का नियम, डिविजिबिलिटी रोल ऑफ 16। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 16 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि यदि यदि किसी संख्या के अंतिम किसी संख्या के अंतिम चार अंक 16 से पूरी तरह विभाजित होते हैं, तो वह संख्या भी 16 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक, चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, इसे मिटा देता हूं मैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है
7852176। ठीक है, ये कोई हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम चेक करेंगे कि ये 16 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, हमने बताया था कि यदि किसी संख्या के अंतिम चार अंक, ठीक है यहाँ पे संख्या लिख लेना, यदि किसी संख्या के अंतिम चार अंक 16 से पूरी तरह विभाजित होते हैं तो वह संख्या हमारी क्या होती है, 16 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो चेक कर लेते हैं कि इसके अंतिम चार अंक, जो हमने संख्या लिखी है, इसके अंतिम चार अंक 16 से पूरी तरह डिवाइड हैं या नहीं है। ठीक है, तो अंतिम चार अंक क्या है, 2176। ठीक, 16 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इसको, 16 से हम डिवाइड करेंगे 21 को, तो कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 16 बन जाए 16, कितना बचेगा 5। ठीक, कितना हो गया, ये 57 हो गया, 57 को अब अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 16 तिया 48, 57 में से 48 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 9, तो कितना हो गया ये 96 हो गया। अगर हम 16 से 96 को डिवाइड करें तो कितनी टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि लास्ट के चार अंक 16 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है हमारा सारा का सारा, ये भी क्या होगा, 16 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में, इतना समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे अब हम बात करते हैं 5 के विभाजन के नियम की, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है या 5 है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है या 5 है, तो वो संख्या हमारी किससे डिवाइड होती है, 5 से डिवाइड होती है। चलिए लिख लेते हैं इसको, पांच के विभाजन का नियम। ठीक, क्या लिखेंगे इसको हम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ठीक, ये कहता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें हम, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल होगा 5678075675। ठीक, ये मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए, ये हमारे क्या हैं, देखो लास्ट में क्या है हमारा, इकाई का अंक कितना है इस नंबर में, 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारा का सारा नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें यह हमारा इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा 6 के विभाजन का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 ये कहता है, 6 के विभाजन का नियम ये कहता है, यदि कोई संख्या दो या तीन दोनों अंकों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। चलिए लिख लेते हैं इसको, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6
छः के विभाजन का नियम। ठीक, ये कहता है कि यदि कोई संख्या दो तथा तीन दोनों अंकों से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या छह से भी पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल लिख लो, इसके एग्जाम्पल लिखो 3 1 2 3 1 2 3 6। ठीक, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अगर अब मैं चेक करता हूं कि ये दोनों, ये संख्या जो है 2 और 3 दोनों अंकों से विभाजित है या नहीं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 2 का रूल मैंने क्या बताया था, 2 का रूल क्या बताया था मैंने आपको, 2 से विभाजिता का नियम क्या बताया था, 2 से विभाजिता का नियम यह बताया था मैंने आपको कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक है तो वो संख्या हमारी पूरी की पूरी किससे डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है। तो पहले हम देखते हैं कि इसके कहीं इकाई के अंक में ये इनमें से कोई सा नंबर है या नहीं है। तो क्या है हमारा इकाई का अंक, 6 है, इसका मतलब 6 है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बताया था, 6 के विभाजिता का नियम क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वो संख्या सारी की सारी पूरी की पूरी 3 से विभाजित होती है। चलिए देख लेते हैं, इसके अंकों का अगर योग करें, तो कितना आएगा, 3 + 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12 और 3 15, 15 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बात कि 6 की विभाजिता का नियम क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा 7 के विभाजन का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है, चलिए 7 के विभाजन के नियम की बात कर लेते हैं। 7 के विभाजन का नियम यह कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 7 के विभाजन का नियम, 7 के विभाजन का नियम यह कहता है कि कोई संख्या हमें गिविन है, ठीक, उसके हम इकाई के अंक को डबल करके रेस्ट नंबर में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो हमें नंबर प्राप्त होगा, जो संख्या हमें प्राप्त होगी, उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। यदि वो संख्या 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है तो सारा का सारा नंबर, सारी की सारी संख्या हमारी किससे डिवाइड होती है, वो 7 से डिवाइड होती है। ठीक है, पहले इसके लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैसे करते हैं इसके डिविजिबिलिटी रूल का टेस्ट। ठीक है, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना
इकाई के अंक का दो गुना शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या को सात से विभाजित करने पर यदि शेषफल जीरो आता है तो वह संख्या सेवन से पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, थोड़ा लंबा है और लेंथी भी है, तो इसे समझना ध्यान से कि कैसे हम चेक करते हैं सेवन के विभाजन के नियम को। ठीक है, तो मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल देखिए, इसका मैंने लिया 343, ये नंबर ले लिया, इसको मुझे चेक करना है कि ये सेवन से डिवाइड है या नहीं है पूरी तरह। ठीक है, चेक करते हैं। तो मैंने बताया कि सेवन के डिविजिबिलिटी रूल में ये होता है कि किसी भी नंबर के इकाई का अंक हम लेते हैं, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 3 है, उसका डबल करते हैं, इकाई के अंक का डबल करते हैं तो कितना मिला हमें 6 मिला। इकाई के अंक का डबल करेंगे तो कितना मिला 6 मिला। अब इस 6 नंबर को किसमें से डिवाइड करना, जो शेष संख्या बची हमारे पास क्या बची 34। 34 में अगर हम माइनस करते हैं 6 कितना आएगा 28। 28 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि वो शेष संख्या जो आएगी डिफरेंस करने के बाद वो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो 7 चौक 28 पूरी तरह डिवाइड होगी। इसका मतलब क्या है, ये 343 जो है 7 से पूरी तरह डिवाइड है। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं हम। 371 मैंने कोई एग्जांपल लिया, 371 इसके लास्ट का डिजिट क्या है या इकाई का अंक क्या है, 1 है। इसका हम क्या करेंगे, डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, 2 आ गया। रेस्ट नंबर क्या बचा हमारे पास, रेस्ट नंबर बचा हमारे पास 37। ठीक, 37 में से अगर हम 2 माइनस करें तो कितना बचेगा 35 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या, ये नंबर भी हमारा पूरा का पूरा 7 से डिवाइड है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि 7 के विभाजन के नियम में हम किस तरह चेक करते हैं कि कोई संख्या 7 से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8 की हम बात कर चुके हैं, अब चलते हैं 9 के विभाजन के नियम पर। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, चलिए इसको भी देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 ये कहता है, जैसे 3 का है ना डिविजिबिलिटी रूल, वैसे ही हमारे 9 का है। ठीक है, जो नियम हमारे 3 का है वही हमारा 9 का है। 3 का नियम क्या था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है, वो तो सारी संख्या किससे डिवाइड होती है, पूरी संख्या किससे डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है। वैसे ही अगर मैं 9 के विभाजन के नियम की बात करूं तो 9 के नियम विभाजन का नियम ये कहता है कि यदि किसी अंक संख्या के सारे अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी हमारी किससे डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है। चलिए देख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद चेक करते हैं इसको। ठीक, तो यदि किसी संख्या के यहां पे संख्या लिख लो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया
विभाजित होता है, विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह या पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो कोई भी नंबर ले लीजिए, 3, 6, 9, 3, 2, 1, 3, ये मैंने कोई नंबर ले लिया। अब चेक करना है कि ये नंबर, ठीक है, नंबर का लेंथ देख के नहीं डरना है कि ये कैसे डिवाइड होगा, हमें सिर्फ क्या करना है इसके अंकों का योग करके 9 से डिवाइड करके देखना है। यदि इसके अंकों का योग 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या हमारी सारी की सारी किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। चलिए चेक करते हैं, इसके अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग करेंगे हम तो 3 + 6 + 9 + 3 + 2 + 1 + 3, ठीक, तो कितना आएगा देखते हैं। 9, 9, 18, 18 और 3 कितना आया हमारा, 18, 3 कितना आया 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, कितना आ गया 27, 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 3 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या हमारी पूरी की पूरी ये 9 से पूरी तरह डिवाइड होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो रूल है हमारा वो बच्चा हमारा 10 का और 11 का। तो पहले हम 10 के विभाजन के नियम की बात कर लेते हैं। 10 के विभाजन का नियम क्या कहता है, 10 के विभाजन का नियम ये कहता है कि यदि किसी भी अंक के लास्ट में 0 दिखाई दे जाए, आपको किसी भी अंक के लास्ट में यदि आपको 0 दिखाई दे जाए तो वो संख्या हमारी पूरी की पूरी 10 से डिवाइड होगी। ठीक, सिर्फ 0 दिखाई दे, ठीक है, जैसे लिख लेते हैं इसको, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। वैसे तो इसके एग्जाम्पल बड़े सिंपल ही हैं, बस लास्ट में हमें क्या लिखना, 0 लिखना, कोई भी नंबर लिख दो 3, 6, 5, 0, ये 10 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या आया, 0 आया है। और नंबर ले लेते हैं, अगर मैं बात करूं 8, 9, 6, 3, 5, 7, 5, 0, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, बस लास्ट में क्या आना चाहिए, हमें दिखाई देना चाहिए 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 10 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट हमारा बच्चा 11 के विभाजन का नियम। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने भी नहीं है और आपके एग्जाम में आते भी नहीं है। ठीक है, तो 11 के विभाजन का नियम क्या कहता है, 11 के विभाजन का नियम ये कहता है, यदि किसी 11 के विभाजन का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग, ठीक, यदि किसी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग तथा विषम स्थान पर अंकों का योग
योग का अंतर, का अंतर जीरो या 11 का गुणज है। यदि किसी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग तथा विषम स्थान पर अंकों के योग का अंतर, हमें डिफरेंस देखना है, विषम स्थान पर अंकों का योग बड़ा हो सकता है या सम स्थान पर अंकों का योग बड़ा हो सकता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, जो भी सम हमारा बड़ा आएगा उसमें से छोटा वाला माइनस करना है और देखना है कि अंतर क्या आना चाहिए, या तो जीरो आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज आना चाहिए, या तो 11 आएगा या 11 का कोई गुणज आना चाहिए। गुणज का मतलब होता है 11 22 33, ठीक है, 11 22 33 44 55 66, इस तरह से 11 का गुणज आना चाहिए। अगर गुणज आता है तो वह हम संख्या तो वह संख्या तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करें हम 11 के, तो एग्जाम्पल में लिखेंगे आप 136 136 0 136 0 52, ये मेरे पास एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 5695 5695 47 5695 47, ये तो मैंने एग्जाम्पल ले लिए। अब चेक करना है कि ये 11 से पूरी तरह डिवाइड है ये संख्या या नहीं है। तो मैंने बताया कि सम स्थान पर अंकों का योग, सम और विषम मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ कि सम संख्या या विषम संख्या क्या होती हैं, ठीक है। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करिए यूपी पाठशाला पर, वहां जाकर प्ले लिस्ट में आप पहला वाला लेक्चर देख सकते हैं। अभी तक मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ नंबर सिस्टम पर, ये 3रा लेक्चर है, ठीक है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि हिमांशु सर का जो पार्ट था एडवांस मैथ का, जिसमें ज्योमेट्री वगैरह पढ़ा रहे थे वो, तो उसका भी पहला लेक्चर आ चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए और उस लेक्चर को भी देखिए। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करा है, जिन्हें ज्योमेट्री नहीं आती है, एडवांस मैथ से डर लगता है, वो पूरी तरह सारा का सारा मैथ सीख जाएंगे और डरना छोड़ देंगे आज के बाद। जिसे मैथ आता भी नहीं है ना, वो भी बनाना सीख जाएगा, इतने जीरो लेवल से स्टार्ट करा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो चैनल पे विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कि इस संख्या को हम कैसे पता करेंगे कि ये 11 से डिवाइड है। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरह की संख्या। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 और 7 9, ठीक। अब हम करते हैं कि सम स्थान पर अंकों का योग, सम स्थान पर अंकों का योग, सम स्थान पर अंकों का योग करते हैं हम, तो सम स्थान पर कौन कौन से होंगे, देखो ये 1 2 3 4 5 6, मैंने नंबरिंग कर ली इसके अंकों की। तो सम स्थान पर कौन कौन से, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इनका योग करते हैं 3 + 0 + 2, कितना आ गया 5, ठीक। फिर मैंने क्या करा, विषम स्थान पर, विषम स्थान पर अंकों का योग, विषम स्थान पर अंकों का योग करते हैं, देख लेते हैं विषम स्थान पर कौन से हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो क्या करेंगे हम 1 + 6 + 5, कितना है ये हमारा 6 5 11 11, 1 + 6 + 5 कितना किया 6 5 11 12, 12 में से हमने क्या करा माइनस 5 करा तो कितना है हमारा 7,
इसका मतलब ये है कि ये नंबर हमारा किससे डिवाइड नहीं होगा, या 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए देखो, हमने इसकी नंबरिंग कर ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद मैंने क्या करा, सम स्थान पर अंकों का योग, ठीक है, सम स्थान पर अंकों का योग निकाले हम। तो सम स्थान पर कौन सा है, एक तो देखो 6 है, एक 5 है, और एक आपका क्या है 7 है। तो 6 + 5 + 7 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 7, 5, 12, 6, 18 आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, ओड प्लेस पे जो विषम स्थान पर अंकों का योग देख लेते हैं। विषम स्थान पर अंकों का योग, ठीक है, विषम स्थान पर अंकों का योग देखें तो विषम स्थान क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद क्या है 4 है, दोनों को ऐड करो, 5, 4, 9, 9, 9, 18। अब दोनों का अंतर निकाले अगर हम, यहाँ पर देखो अंतर लिख लेना, ये अंतर निकाला था हमने दोनों का, अगर ये 0 या 11 आ जाता या 11 का कोई गुणा जाता तो ये नंबर क्या होता, 11 से डिवाइड होता। तो यहाँ पे क्या आया, 7 आया, तो इसलिए ये नंबर क्या है, डिवाइड नहीं है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर अंतर देखें 18 सम स्थान पर अंकों का योग, 18 विषम स्थान पर अंकों का योग, 18 - 18 करेंगे तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या, डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। क्या बोला था मैंने कि यह तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणज आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आया, 0 आया है, इसलिए ये जो अंक है हमारा, ये जो नंबर है, ये हमारा क्या है, 11 से डिवाइड है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई अब भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।